रूस के राष्ट्रपति दो दिन के दौरे पर नॉर्थ कोरिया पहुंच गए हैं। किम जोंग उन्होंने खुद राजधानी प्योंगयांग में सुनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया। ये नॉर्थ कोरिया की उनकी दूसरी यात्रा है। वो करीब 24 साल बाद मंगलवार को नॉर्थ कोरिया पहुंचे। पुतिन की नॉर्थ कोरिया की संभावित यात्रा की चर्चा लंबे समय से हो रही थी। पुतिन और किम जोंग उनके बीच बैठक भी आयोजित हुई। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। क्रेमलिन ने पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे को महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा करार दिया है। पुतिन ने यूक्रेन मुद्दे पर समर्थन करने के लिए उत्तर कोरिया का धन्यवाद भी किया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो उत्तर कोरिया संग मिलकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से निपटने के लिए काम करेंगे।